गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं क्लास 11th चैप्टर 3 पे एक फॉर्मूला है टू प्रूव दैट साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको प्रूव करने जा रहे हैं और ये इससे बहुत फॉर्मूला निकलेगा। इसका प्रूफ भी बहुत टफ है, बहुत लंबा है, थ्योरम है, उससे प्रूफ होगा। तो पहला आप ये समझ लो कि ये कंपाउंड एंगल क्या होता है। कंपाउंड एंगल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कंपाउंड एंगल है, जैसे दो एंगल ऐड रहते हैं या सब्ट्रैक्ट रहते हैं या दो से ज़्यादा, तब इसको कंपाउंड एंगल कहते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड एंगल है। अब साइन अगर आगे लग गया तो साइन ऑफ ए कंपाउंड एंगल, यानी साइन ऑफ सम ऑफ टू एंगल है, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो ये पता समझ लेना कि साइन का एक बार यहाँ मल्टीप्लाई है, एक बार यहाँ मल्टीप्लाई है। जैसे एक्स रहे और ए प्लस बी रहता है, तब आप एक्स ए प्लस एक्स बी लिख देते हो, ये तो मल्टीप्लाई है। ये ऐसा नहीं होता, ये पूरा एंगल है। तो इसका पूरा एंगल है, इसका फार्मूला ये होता है, ये प्रूफ कराने जा रहे हैं हम आपको। तो थोड़ा सा कठिन तो है इसका प्रूफ, लेकिन एनसीईआरटी में है तो थोड़ा दूसरे टाइप से है, थोड़ा आसान तरीके से हम आपको इसको प्रूफ कराएंगे। थोड़ा दिमाग कंसंट्रेट कीजिएगा तो समझ में आएगा। थ्योरम तो है ही, थ्योरम से टफ होता ही है, समझना चाहिए, उसमें ट्रायंगल एंगल सब रहते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लिया कि एक रिवॉल्विंग लाइन है हमारे पास, ये एक रिवॉल्विंग लाइन मतलब क्या है, घूम सकती है। ये रिवॉल्विंग लाइन है, ये रिवॉल्व कर सकती है, घूम सकती है। तो ये रिवॉल्विंग लाइन है, ये रिवॉल्व कर सकती है, घूम सकती है। तो ये मान लिया कि ये कहाँ है, तो एक्स मतलब ये ओ और एक्स पर। उसके बाद ये रिवॉल्व की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी तो यहाँ पर एक एंगल बनाया एक्स ओ वाई, और ये एंगल जो है ये बना ए। ठीक है, अब फर्दर इट रिवॉल्व, फिर से ये रिवॉल्व की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पर एक एंगल इसने बनाया, इस बार बनाया जेड, इसको नाम दे दिया हमने बी। इसी को लिख देते हैं, लेट ओ एक्स बी, ओ एक्स बी रिवॉल्विंग लाइन एंड फ्रॉम इनिशियल पोजिशन ओ एक्स, इट रिवॉल्व्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड ट्रेस आउट एंगल का नाम क्या है, एक्स ओ वाई इज इक्वल टू ए। एक्स ओ वाई एंगल ए बनाया, फर्दर इट रिवॉल्व्स इन सेम डायरेक्शन एंड ट्रेस आउट एन एंगल। इस बार एंगल क्या बना रहा, वाई ओ जेड इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये एंगल बना लिया। लेट पी बी पी आ पॉइंट और फाइनल पोजिशन ऑफ ओ एक्स का फाइनल पोजिशन क्या है, ये है। ठीक है, ऑन फाइनल पोजिशन ओ एक्स क्या है, फाइनल पोजिशन तो इसका फाइनल पोजिशन ओ जेड है। फाइनल पोजिशन या ऐसे सीधा लिख देते हैं, लेट बी बी अ पॉइंट ऑन तो अपने फाइनल पोजिशन ऑन ओ जेड लिख दो, खत्म करो। चलो, ओ जेड पर हमने एक पॉइंट मान लिया कि एक पॉइंट है पी, ये पॉइंट इस जगह पर यहाँ पर है, ये पॉइंट इधर पी। ठीक है, फ्रॉम पी
फ्रॉम पी विड्रॉ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ विड्रॉ सीधा परपेंडिकुलर से जानता पी से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। चलो ये ड्रॉ हो गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का नाम दे दिया पी एम। तो पी एम ड्रॉ ऑन ओ एक्स एंड फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस बार ड्रॉ किया परपेंडिकुलर कहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये दिखना चाहिए कि इसमें परपेंडिकुलर है, और इसका नाम दे देते हैं एन पी एन। ठीक, ओ एक्स एंड पी एन परपेंडिकुलर ऑन किस पे, ओ वाई, ओ वाई पे ड्रॉ कर दिया। ठीक, चलो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ। अब यहाँ से एन से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे किसके, ओ एक्स। यहाँ से अब इस पर हम एक पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे या इस तरह से जाएगा यहाँ, और इसका नाम भी दे देते हैं, ऑन दे देते हैं, फिर ड्रॉ पैरेलल ड्रॉ एक पैरेलल लाइन खींचा कौन, एन आर ड्रॉ कर एन आर पैरेलल टू पी एम। ठीक है, पी एम विच मीट पी एम ऑन, ऐसे लिख दीजिए पी एम ऑन आर। ठीक है, आर पे उसको मिल रही है। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से किस पे, यहाँ से इतनी इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस जगह। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसका नाम ले देते हैं क्यू। ठीक है, क्यू अब फिर से लिखेंगे एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर एन क्यू परपेंडिकुलर किस पर, ओ एक्स। ठीक है, ये यहाँ तो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, तो ठीक हो गया। ठीक है, हमने ये जो जो हमने किया वही वही इसको लिख दिया। हाँ, अब थोड़ा समझने वाली चीज है, देखो ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, ये मान लिया कि ये आर एन है, ऐसे सिंपल आर एन है, और ये लाइन ओ एक्स है, ये ओ लाइन ओ एक्स है, और ऐसे ऐसे बराबर कर ये इसको मिला रही। तो आप जानते हो दो पैरेलल लाइन को अगर एक तीसरी लाइन कट करती है, अगर इसको कट करेगी तो अल्टरनेटिव एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, तो वही चीज़ तो यहाँ पर होगी। देखो ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, इसको ये यहाँ से ऐसे कट कर रहा है, ये लाइन कट कर रही है, तो ये अगर ए है तो ये एंगल भी क्या होगा, ए भी तो ए ही होगा, ए होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब फिर से देखो दूसरा, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि एक्स ओ एन एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल टू एंगल आर एन ओ आर एन आर एन ओ इज इक्वल टू ए, क्या है अल्टरनेटिव एंगल है, यहाँ लिख दीजिए अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, ये अल्टरनेटिव एंगल है, तो अल्टरनेटिव एंगल जो होता है वो क्या होता है, आपस में वो आपस में पेयर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वल लिखे कुछ कटा होता नहीं पीछे। हाँ, सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। हाँ चलो, अब देखो अब फिर से एक चीज और समझना, हमने जैसे यहाँ पर एक खींच दिया इस तरह से, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये एंगल डिवाइड है, ये एंगल मान लिया बढ़ गया डिवाइड, और ये एंगल अगर ए है और पूरा मिलकर के 90 है तो ये क्या होगा, ये 90 माइनस ए होगा। ठीक है, अब देखो तो ये एंगल जो है ये 90 माइनस ए का होगा, ये हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो आर एन ओ है एंगल, यहाँ पर देखिए एंगल आर आर एन पी एंगल आर एन पी जो है ये होगा 90 डिग्री माइनस ए, क्योंकि ये पूरा एंगल यहाँ से, क्योंकि भाई इससे यहाँ पर परपेंडिकुलर आ रहे हो
ये पूरा एंगल जो है 90 का है। अब ये एंगल दो में डिवाइड हो गया, ये एंगल अगर ए है और ये पूरा मिल करके 90 है, तो 90 माइनस ए होगा। अब थोड़ी देर के लिए आप समझ लो अगर ये यहाँ पर 90 है तो ये हो जाएगा एक एक पर ऐसे से, जैसे ये अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, देखिए ना दिख रहा हो तो यहाँ दिख रहा है, जैसे यहाँ ये हमने बना लिया है ऐसे एंगल बना लिया, ये 90 डिग्री दिखा लिया और ये एंगल ए है, ये क्या होगा, ये 90 माइनस ए होगा। अगर ये कहते हैं कि ये 90 नहीं, ये 90 माइनस ए है, तो ये क्या होगा, ये दो हो जाएगा एक। तो ये एंगल हमें पता चल गया कि एंगल हमारे यहाँ पर जो मिला ये एंगल क्या है, ए है, बस यही मेन एंगल है। तो अब थोड़ा सा हम इसको इरेज करेंगे और इरेज करने के बाद वो कर लिखेंगे। तो यहाँ तक आप पहले इसको समझ लो, नोट कर लो अच्छे से समझ लेना, और इसके बाद हम इरेज करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इस तरह सब देखते हैं कि हमने क्या प्रूव कर लिया। तो हमने प्रूव कर लिया कि ये दिखा दिया कि आर एन पी जो है ये 90 माइनस ए है, तो इसलिए आर पी एन या एन पी आर, इसलिए एंगल एन पी और आर जो है ये एंगल हमें मिल जाएगा एन पी आर, ये एंगल जो है ये आ गया एक। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इस ट्रायंगल में यहाँ पर, ये इस ट्रायंगल में हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस जगह पर देख रहे हैं, यहाँ देखो इस जगह पर ट्रायंगल जो है पूरा ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल कौन सा है, ओ पी एम ट्रायंगल, ओ पी एम। अब ट्रायंगल ओ पी एम में ये पूरा मिल करके कितना का हो जाएगा, ये पूरा मिल करके यहां से यहां तक ये तो हो गया ए प्लस बी, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ओपीएम में साइन ऑफ ए प्लस बी, कट तो लिख गया नहीं, ठीक है थोड़ा सा डायग्राम समझ में आना चाहिए, ठीक है। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी बताओ, ये पूरा ट्रायंगल है, जैसे मान लो हमने ऐसे ट्रायंगल बना दिया, ऐसे बना दिया, आप कहते हैं कि ये एंगल इसके लिए बताओ, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, एम पी, तो साइन की डेफिनेशन क्या होगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, ओ पी, तो हाइपोटेन्यूज जो है ओ पी है। अब एम पी को आर जो है टू पार्ट से डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं एम आर प्लस आर पी इज इक्वल टू ओ पी। अब देखो ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल बना रहा है, ये इसके पैरेलल है, रेक्टेंगल है, तो ये साइड और ये साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो ऐसा करते हैं आर एन की जगह पर हम तो एन क्यू लिख सकते हैं, इसकी जगह पर क्या लिख देते हैं, अब इसकी जगह पर देखो एम आर जो है एम आर की जगह पर एन क्यू लिखेंगे, एन क्यू प्लस आर पी और अपॉन ओ पी। देखो ये थ्योरम है, प्रूफ किया जाता है, तो जैसे प्रूफ किया गया है बिल्कुल वैसे ही प्रूफ करेंगे, ठीक है। और तो ये तो हो गया एन क्यू प्लस आर पी और ओ पी। अब चलो अब इसको हम थोड़ा अलग कर रहे हैं, इसको अलग इससे कर रहे हैं कि ये ओपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी इसको हम लिख देंगे एन क्यू अपॉन ओ पी प्लस आर पी अपॉन ओ पी, ऐसे हमने इसको अलग कर, ठीक है, ये अलग हो गया। अब आप देखते हैं, चलो अब एक काम करते हैं, देखो ये एन क्यू कहाँ है, एन क्यू समझो, तो ये एन क्यू है और एन क्यू के नीचे क्या लिखा हुआ है, ओ पी, मतलब एन क्यू और ओ पी ये लिखा हुआ है, तो ओ पी। तो इसको हम थोड़ा सा एक काम करें, ओ एन से इसको डिवाइड कर दें, देखो ये एन क्यू है और अपॉन ओ एन हमने यहाँ लिख दिया,
इंटू, और यहाँ पर ओ एन लिख दिया और ओ पी को यहाँ लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है इससे इससे ये कट जाए भाई? फॉर्मूला सेट करने के लिए करना पड़ता है सर। तो ओ एन लिखा, अब देखो ओ एन से ओ एन कट जाएगा, एन क्यू और ओ पी वही तो लिखा हुआ है। उसी तरह अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, यहाँ आर पी लिखा हुआ है, ये आर पी है, आर पी, और इसको हम पी एन लिख देते हैं। देखो आर पी अपॉन पी एन, और उसके बाद यहाँ पर भी लगा देंगे क्या चीज, इनटू नहीं एक मिनट, ये आर पी है और हाँ चलो ठीक है, ठीक तो लिखा था, इसके नीचे पी एन लिख दिया और फिर यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी पी एन, भाई पी एन से पी एन मिल जाएगा कट, और यहाँ पर ओ पी लिख दिया, ओ पी और ठीक। हाँ अब देखो, अब आप खुद ही बताओ, इसको देखो एन क्यू अपॉन ओ एन कहाँ है, एन क्यू अपॉन ओ एन इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए, ध्यान से समझना, इस ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, यानी हो जाएगा साइन ए, साइन ए की डिफिनेशन क्या होगी यहाँ पर, साइन ए अगर आप लिखोगे तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है ये क्यू एन, क्यू एन अपॉन ओ एन आगे कि नहीं आगे, देखो तो हम साफ सी बात है, जहाँ एन क्यू है, एन क्यू, एन क्यू और ओ एन, क्यू क्यू एन कहो चाहे, तो उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं साइन ए, तो ये तो हमारा हो गया साइन ए। अब इसको देखो ओ एन ओ पी, ओ एन कहाँ है, ये देखो ये ओ एन है, ये ओ एन है, और ये क्या है ओ पी है, ओ एन और ओ पी, ओ एन हो गया एंगल के लिए बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज तो बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कॉस बी, तो साइन ए ये आया कॉस बी, ये निकाल दिया प्लस। अब चलो आर पी और पी एन को देखते हैं, आर पी कहाँ, ये देखो ये आर पी है, ये आर पी, ये आर पी हो गया और पी एन ये हो गया, तो अगर अब देखा जाए तो ये क्या, ये तो बेस का काम कर रहा है ना, यहाँ पर इस एंगल ए के लिए ये बेस का काम कर रहा है और ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है कॉस, इस एंगल के लिए, इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये हो जाएगा कॉस ए, तो ये हो गया कॉस ए। और फिर पी एन ओ पी, पी एन देखो पी एन कहाँ है, ये पी एन हो गया, ये पी एन, और उसके बाद क्या है ओ पी, देखो पी एन अपॉन ओ पी, तो पी एन हो गया और ओ पी हो गया, ये ओ पी हो गया, माने ये बी के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो हो गया साइन बी, तो हम कह सकते हैं साइन बी हो गया। तो ये मिल गया हमारा फॉर्मूला, यानी साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यही है, क्या है ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, इसको आप याद कर लो, रट डालो, साइन साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, याद होना चाहिए, रट लो इसको। सिमिलरली इसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं कॉस का भी प्रूफ कर सकते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला होगा कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस हो जाएगा साइन ए साइन बी, इसी तरह से प्रूफ किया जा सकता है कॉस ए बी, बस एक प्रूफ काफी है। अब आप जान तो लिए कि ये कैसे प्रूफ होता है, एक हमने प्रूफ कर लिया, हम आपको ये हम नहीं कहते कि आप इसका प्रूफ याद करो, इसका प्रूफ आपको नहीं याद करना है, आपको क्या याद करना है, आपको केवल ये रिजल्ट याद करना है, बस ये रिजल्ट हर हाल में याद होना चाहिए, इसका फार्मूला याद होना चाहिए, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी याद होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कह देते भाई साइन ए प्लस बी याद कर लो, अगर क्लास होता, क्लास में 50-60 बच्चे बैठे होते तो कोई ना कोई बच्चा कहता सर इसका प्रूफ बताइए कहाँ से आया, अगर हम कहेंगे भाई छोटा मोटा कोई छोटी मोटी चीज हो तो जल्दी से बता दें, अब इतना लंबा प्रूफ होता है, तो एक बार आप जान लो ये हो गया प्रूफ,
और इससे बाकी के रिजल्ट आप बाकी के फार्मूला भी यहीं से निकलेगा। और बाकी हम ये प्रूफ करेंगे, डायरेक्ट हम आपको फार्मूला बता देंगे, सिमिलरली इस पर प्रूफ किया जा सकता है। और ए माइनस बी वाले भी एक बार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एक बार, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है बस। तो ये प्रूफ आप नहीं याद करो लेकिन ये फार्मूला जरूर याद कर लेना, ठीक है। लंबी वीडियो हो गई है, थैंक यू।